अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज अगेन बनाने लगे हैं चिकन वेजिटेबल राइस, जिसके लिए हमें ये दो गाजरें हम लोगों ने इसको क्यूब्स के अंदर छोटी छोटी क्यूब्स की तरह काट ली है, यही दो शिमला मिर्च, ये है जो हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, दो प्याज नॉर्मल साइज़ के हैं और आलू। ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं। ये हम इसके अंदर 3 सर्विंग स्पून जो है वो घी ऐड करेंगे। इसमें हरी मिर्च लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। घी गर्म हो गया अच्छी तरह। बड़ी ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा, ये मसाला भून गया। अब इसके अंदर जो है हम चिकन ऐड कर देंगे। अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया, तो इसमें हम हसबे ज़ायका नमक ऐड कर देंगे। इसमें जितने भी मसाला जैसे रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप जो है हसबे ज़ायका ही मैं कहूँगा उसको। ये ब्लैक पेपर हम लोगों ने डाल दिए। ये दादड़ी मिर्च, अब इसके अंदर हम लोगों को आलू ऐड कर दिए और साथ ही गाजरें भी ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मज़ीद जो है सॉसेज वगैरह ऐड करते हैं। ये इसमें हमने सिरका ऐड कर दिया। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक जो है इसमें सिरका और बाकी जो जितने भी सॉसेज हैं वो ऐड कर देंगे। ये सोया सॉस डाला है। अब ये चिली सॉस ऐड कर दिए। ये इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दिया। यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी सब्जियाँ पकाएंगे उसको आपने तेज़ आंच पे पकाना है, बिल्कुल नरम नहीं कर देनी सब्जियाँ। मज़ीद इसके अंदर हम जो है वो चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करते हैं। ये हम लोगों ने इसमें 4 ग्लास जो है वो पानी ऐड कर दिए, क्योंकि चावल थे वो हम लोगों ने निकाले हुए 2 गिलास, तो उसका डबल जो है हम लोगों ने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब ये थोड़ा सा पानी का जो बॉयल आ जाए फिर हम इसके अंदर मज़ीद जो है वो चावल ऐड करेंगे। अच्छा, ये पैन के अंदर थोड़ा सा घी डाल के हम अंडा बना लेंगे। इस अंडे के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा जो है सिर्फ नमक ऐड किया है। इस तरीके के साथ अंडे को जो है हम वो तोड़ लेंगे और फिर इसके बारीक बारीक जो है रेशे या पीसेस वो हम चावलों में ऐड कर देंगे।
ये देखें, इसको हम लोगों ने जो है पैन के अंदर ही छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लिया। बस ये पक जाए तो इसको निकाल देंगे और लास्ट में चावलों के अंदर ऐड कर देंगे, वो मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगा। पानी को जो है बॉयल हो गया, वो पानी अभी उसके अंदर हम लोगों ने 2 गिलास जो है वो चावल ऐड कर दिए। अब ये पानी जैसे ही सूख जाएगा तो इसको फिर हम दम लगा देंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया, इसको अब हम दम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले चावलों में थोड़ा सा हम जो है जरदा रंग डाल देंगे, इससे ज़रा चावल बड़े कलरफुल से हो जाते हैं। ये जो भी हम लोगों ने अंडा बनाया था उसको जो है बारीक बारीक तोड़ लिया था हमने, अभी ऊपर फुला देंगे और अब इसको लगाते हैं दम। बिल्कुल लाइट हल्की आंच पे जो है ना इसको दम लगा देंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। माशाल्लाह व्यूअर्स, ये दम खोल दिए। चावल माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म के तैयार हुए हैं। आप ये देखें, दाना दाना जो है वो चावलों का जो है बन गया। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।